जेल ब्रेक मामले में फरार कैदी लेखराम बावरी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके एक और साथी जो कि जेल ब्रेक मामले में जेल के बाहर से सहयोगी रहा मिट्ठू लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता करते हुए लेखराम द्वारा बताए गए कई चौंकाने वाले मामलों का खुलासा किया। पीसी के दौरान एसपी ने बताया कि पिछले 6 माह से जेल ब्रेक की योजना पर फरार कैदी काम कर रहे थे और ब्रेक के सरिये भी थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन में काटे थे। वहीं मोबाइल को भी चप्पल में नीचे जगह बनाकर छुपाकर जेल में मंगवाया गया था। इसके साथ ही ब्रेक के कैदियों को सुलाने के लिए नींद की गोलियां भी मंगवाई गई थी। लेखराम इस घटनाक्रम में मुख्य आरोपियों में है और वो जीरन और राजस्थान के बॉर्डर से रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के बीच में पकड़ा गया है और उससे पूछताछ पर उसने काफ़ी तथ्य का खुलासा किया है। उसका ये कहना था कि इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम लोग 6 महीने पहले से प्रारंभ किया था और हमको सरिया काटने में करीबन 2-3 दिन लगे। इसके अलावा उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो चप्पल हाई हील की रहती है उसको काट के उसमें मोबाइल को रख के उसको अंदर दिया गया। साथ ही कुछ फनल जो काटने का सरिया काटने का भी करीबन 5-7 दिन पहले दिए गए और इन सब में कहीं ना कहीं जो है उसकी जो व्यवस्था है वो इंटरनल व्यवस्थाओं के तहत ही वो पूरी प्रक्रिया हुई है और इसमें वो लोग भागने में सफल हुए हैं। मिट्ठू चूँकि ये जो पंकज इसमें जो आरोपी है उसका मित्र है, साथ ही ये चित्तौड़ जेल से जेल करके भागा है और एनडीपीएस का आरोपी रहा है और इसलिए चूँकि ये पूरे घटनाक्रम में ये यहाँ बाहर से जो भगाने में इसका सहयोग रहा है, ये अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के 4 लोगों को ले गया था और ये उसी जहाँ का रहने वाला है छोटी सादली के बीच में ये वहाँ लगातार 2 दिन वहाँ रहा है। इसके द्वारा ये बताया गया था कि 2 बार गोलियाँ आई और करीबन 8-8 पत्ते जो रहते हैं रैपर इसमें 10 रहती हैं तो 80 के मान से 160 गोलियों की बात इसे स्वीकारा है और साथ में इसने ये स्वीकारा है कि वो दूध का दही बना के और उसको छाछ में मिला के इसमें यूज़ करने का बताया। तो वो सैंपल लिए गए हैं और सैंपल के आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।